जहाँ गांव में लोग रहते हैं और अलग अलग तरीके के उनका प्रोफेशन है, उनका ऑक्यूपेशन है, उसी को देखते हुए यहाँ एक स्वीप का प्रोग्राम जो है एक रैली के शक्ल में आज निकाली गई, जिसमें हर वर्ग के लोगों को पार्टिसिपेट करवाया गया, चाहे वो बूढ़े हों। आप देख रहे हैं पीछे मेरे यहाँ घोड़े पे सवार एक बुजुर्ग हैं, ये दर्शा रहे हैं कि हमने घोड़े पे सवार होके अपने पोलिंग स्टेशन पे पहुंचना है। इसी तरह से हमारा लेबर तबका आप देख रहे हैं गेती बेलचा लेकर जो है वो चल रहे हैं, वो भी ये दर्शा रहे हैं कि हम लेबर तबका बेशक हैं, हम लेबर का काम करते हैं, लेकिन हम पोलिंग स्टेशन पे जरूर इस बार जाएंगे और पोलिंग स्टेशन पर अपना वोट जो है कास्ट करेंगे, अपना मत का जो इस्तेमाल है वो करेंगे। इसी तरह से हमारे महिलाएं हैं, महिलाएं भी दर्शाती हैं कि सभी महिलाएं इकट्ठा होकर मर्दों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर पोलिंग स्टेशन पे जाएं और अपना वोट कास्ट करें। इसी तरह से हमारे युवा पीढ़ी जो है, हमारे नए बच्चे जो है, जो नए वोटर हैं, वो भी अपने साथ हमारी इस रैली में शमूलियत कर रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो रेड़ी वाला है, जो हमारे यहाँ रामनगर के बहुत सारे जो रेड़ी वाला है, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो गोलगफ्फे बेचते हैं डिफरेंट स्टेट्स में जाकर, अलग अलग शहरों में जाकर, वो भी हमारे साथ रेड़ी जो है हमारे रैली में शामिल हैं। वो ये दर्शा रहे हैं कि ये जो हमारा रेड़ी तबका है, जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वो अपना काम छोड़कर उस दिन पोलिंग स्टेशन पे अपने गांव जाएंगे और वोटिंग करेंगे। इसी तरह से हर वर्ग के हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे साथ मौलवी है, हमारे साथ पंडित हैं, पादरी हैं, जो हमेशा मंदिर या मस्जिदों में रहते हैं और उस दिन वोटिंग करने नहीं जाते हैं, उनको भी हमने साथ लेके चला है ताकि वो भी जो है अपने मत का जो इस्तेमाल करें, वोटिंग करें, और ताकि हमारा जो हमारे आने वाले इलेक्शन है भर चढ़ कर सभी वर्गों के लोग एक इंक्लूसिव जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का नारा है कि एक इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए इलेक्शन में, उस तरह का हमने ये कोशिश की है कि सभी वर्गों के लोगों को जोड़कर इस रैली में शमूलियत करें और ताकि ये मैसेज दिया जाए हमारे गांव में कि वो अपना जो है वोटिंग करें आने वाले इलेक्शन में। हमारे जो गांव के लोग हैं, आप जानते हैं कि हमारे गांधी जी ने जो हमारे राष्ट्रपिता हैं, उन्होंने कहा है कि भारत अगर बसता है तो वो गांव में बसता है। ऐसे लोगों को मैसेज देना बहुत जरूरी है, अवेयर करना जरूरी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्वीप का कार्यक्रम चलाया गया है, स्वीप का मतलब यही है कि एजुकेट करना है हमें लोगों को कि किस तरह से फ्री फेयर तरीके से वो इलेक्शन करें। तो मैं बताना चाहूंगा कि सरकार की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरी तरह से कार्रवाइयां जो है, तैयारियां जो है करी जा रही हैं। हमारे गांव में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं, जोनल मजिस्ट्रेट हैं, VST है, हमारे फ्लैंक स्क्वाड है, सभी तरह के जो अधिकारी हैं वो तैनात हो चुके हैं ताकि हर तरह की जो हमारी तैयारियां हैं वो की जाएं ताकि फ्री फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाए जाएं।